गाइस आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ इंडियन एक्स ड्रैगन 3D को GT San Andreas गेम से। चलो गाइस देखते हैं कौन सा गेम विनर होता है और कौन सा गेम लूजर होता है। तो गाइस पहले करते हैं इंडियन एक्स ड्रैगन 3D को। इस इंडियन एक्स ड्रैगन 3D के अंदर हम TV को ऑन नहीं कर सकते। तो गाइस वही बात आती है GT San Andreas की। तो गाइस हम GT San Andreas में TV के अंदर गेम खेल सकते हैं और ये गेम हर किसी को पसंद भी आता है, जिस गेम के अंदर हमको बस गोलियां चलानी होती हैं। तो ये पॉइंट जाता है GT San Andreas को। और गाइस इंडियन एक्स ड्रैगन 3D के अंदर हम कोई भी चीट कोड डालकर कोई भी व्हीकल्स मंगा सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर एक साइकिल मंगाया, वो आ चुका है। यहाँ पर हमारे देसी व्हीकल से हमको देखने को मिल जाते हैं, जैसे स्प्लेंडर। दूसरा देसी व्हीकल है बुलेट, से इंग्लिश में रॉयल एनफील्ड बाइक कहते हैं। भाई ऐसे ही हम इंडियन एक्स ड्रैगन 3D के अंदर कोई भी चीट कोड डालकर हर एक व्हीकल्स को स्पॉन कर सकते हैं। और वही बात आती है GT San Andreas की। तो गाइस हमको GT San Andreas में बहुत सारे चीट कोड्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है। भाई GT San Andreas में इतने सारे चीट कोड्स हैं जिसको देख देख कर आप पागल हो जाओगे। मैं पागल हूँ। गाइस इसके अंदर एक कार स्पॉन का चीट कोड है, इस पर क्लिक करने के बाद हमको हमारे आंखों के सामने इतने सारे व्हीकल्स देखने को मिल जाते हैं। भाई इतने सारे मिल जाते हैं कि आप देखते देखते पागल हो जाओगे और भाई मैं दिखाते दिखाते पागल हो जाऊंगा। गाइस GT San Andreas में आपको हर एक वो व्हीकल मिलेगा जो आपको रियल में चाहिए होता है, चाहे वो बहुत बड़ी शिप हो या बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर। पर गाइस इसके अंदर हमको अपने देसी व्हीकल्स देखने को नहीं मिलते। बट गाइस उदास मत होना, हम इसके अंदर कोई सी भी देसी व्हीकल का मोड डाल सकते हैं। बस आपको यूट्यूब पर सर्च करना है GTS और आपको जिस चीज का मोड डालना है आप उसको टाइप कर सकते हो। फिर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें से आप कोई सी भी मोड डाल सकते हो। तो ये पॉइंट भी जाता है GT San Andreas को। गाइस हमको इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में सिर्फ एक ही सिटी देखने को मिलता है, वो भी ज्यादा बड़ी सिटी नहीं है। और वही बात करें GT San Andreas की, तो हमको GT San Andreas में इतना बड़ा मैप मिलता है और उसी के साथ हमको यहाँ पर 3 सिटी देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो जितने भी नेम्स लिखे आ रहे हैं भाई, ये सच में रियल में इस वाले मैप में है और इन एक्टिविटीज को हम कर भी सकते हैं। ऐसे यहाँ पर क्लॉथ शॉप है, ईमेट है, जिम है, टैटू शॉप है, सेफ हाउस है, पे एंड स्प्रे है, मोड गैरेज है। भाई हम रियली में इन सब के अंदर जा सकते हैं गाइस, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी जाता है GT San Andreas को। तो बात आती है इंडियन एक्स ड्रैगन 3D की, तो हमको इसमें इतना बड़ा घर मिल जाता है और इतना बड़ा स्विमिंग पूल भी, और घर के बाहर खड़ी एक फॉर्च्यूनर कार, और हमको इसमें दूसरा घर भी देखने को मिल जाता है जो कि भाई रियली में बहुत बड़ा है, और हमको इसमें भी एक स्विमिंग पूल देखने को मिल जाता है। और वही बात आती है GT San Andreas की, तो हमको यहाँ पर इतनी सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाती है। हमको यहाँ पर एक सिटी में करीबन 10 से 15 घर मिल जाते हैं खरीदने के लिए। ये एरो आपको दिख रहा है, ये एरो एक प्रॉपर्टी परचेज करने का एरो भाई, जिससे भाई हम कोई सी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। भाई आपको यहाँ पर ऐसे निशान बहुत सारे दिख रहे होंगे भाई, ये सभी प्रॉपर्टीज है भाई इस गेम में। तो गाइस ये वाला पॉइंट भी जाता है GT San Andreas को। भाई सबसे मेन बात आती है कि ओपन वर्ल्ड गेम कौन सा है। तो गाइस इंडियन एक्स ड्राइविंग 3D गेम अभी पूरी तरीके से ओपन वर्ल्ड गेम नहीं है। आपको ऑलरेडी यहाँ पर 2-3 कार और 2-3 NPCs देखने को मिलेंगे। और वही बात आती है GT San Andreas की, गाइस GT San Andreas एक फुल्ली ओपन वर्ल्ड गेम है। तो ये वाला पॉइंट भी जाता है GT San Andreas को। और वही बात आती है इंडियन एक्स ड्राइविंग 3D की, तो हमको इस गेम में कोई भी शॉप देखने को नहीं मिलती है। और वही बात आती है GT San Andreas की, तो भाई हमको इस गेम में हर एक चीज की शॉप मिल जाती है। ये देखो मैं कपड़ों की शॉप के अंदर आ चुका हूँ। और गाइस ऐसे ही आपको GT San Andreas में एक बार्बर शॉप मिलता है, एक टैटू शॉप मिलता है, एक जिम मिलता है और साथ ही साथ एक स्कूल भी। भाई सोचो यार GT San Andreas कितना मजेदार गेम है। सॉरी भाई मैं इंडियन एक्स ड्राइविंग 3D गेम को भाई बुरा नहीं बता रहा हूँ, ये वीडियो ओनली एक कंपेयर वीडियो था जिसमें मैंने दोनों गेम्स को कंपेयर किया। चलो भाई अब देखते हैं कौन है आज का विनर। भाई इंडियन एक्स ड्राइविंग 3D को मिलते हैं 0 पॉइंट, और वही GT San Andreas की बात करें तो GT San Andreas को मिलते हैं पूरे के पूरे 5 पॉइंट। गाइस आज का विनर है GT San Andreas। गाइस आप भी कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा गेम अच्छा लगता है।